हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज की हमारी ये वीडियो ट्रांसफार्मर एंड स्टेबलाइजर कोर्स का पहला वीडियो है और आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि ट्रांसफार्मर कैसे काम करता है, क्या होता है। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक ज़रूर देख लीजिएगा। और आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट हम करना चाहेंगे कि यह इस कोर्स का पहला वीडियो है तो आप चाहें तो अभी से जो है एक कॉपी और एक कलम लेकर के बैठें ताकि आपके पास एक नोट्स लास्ट तक तैयार हो सके, यानी कि हमारे कोर्स के ख़त्म होने तक आपके पास एक नोट्स तैयार हो सके जिसका लाभ आपको भरपूर मिलेगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले इस वीडियो में हम सीखेंगे कि ट्रांसफार्मर क्या होता है। ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा इनपुट वोल्टेज के मान को घटाया अथवा बढ़ाया जाता है, यानी कि हमें यदि कहीं पर ज़रूरत होगी वोल्टेज को घटाने अथवा वोल्टेज को बढ़ाने का तो सुरक्षित रूप से एक ही उपाय है, ये ट्रांसफार्मर। अब इस ट्रांसफार्मर के अंदर कैसे कार्य होता है, यानी कि यह वोल्टेज को किस तरीके से घटा देता है या फिर बढ़ा देता है, इस चीज़ को हम सीखेंगे। यहाँ पर आप इस चित्र को देख सकते हैं। इस चित्र के माध्यम से ही हम सीखेंगे कि ट्रांसफार्मर कैसे काम करता है। इस चित्र को समझने से पहले कुछ बेसिक बातें होती हैं जिनको जानना बहुत ही ज़रूरी होता है, तो चलिए हम उसको पहले जान लेते हैं। यदि हमारे पास एक तार है और तार के अंदर हम एसी धारा को प्रवाहित कराते हैं, यानी कि एसी धारा इसमें भेजते हैं, तो धारा तो इस तार के भीतर जाती ही है लेकिन साथ ही साथ इस तार के आसपास एक चुंबकीय क्षेत्र तैयार कर देती है। कोई भी तार हो जिसमें एसी धारा बह रहा है उस तार के आसपास एक चुंबकीय क्षेत्र तैयार हो जाता है और यह चुंबकीय क्षेत्र अधिकतम और न्यूनतम हमेशा घटता बढ़ता रहता है। ऐसा क्यों? फ्रिक्वेंसी के वजह से हो पाता है। तो फ्रिक्वेंसी क्या है? तो यदि आप जानते होंगे कि एसी जो करंट होता है वह एक बार ऊपर एक बार नीचे, यानी कि कुछ इस तरीके से वक्र रेखा में चलता है। जब यह ऊपर के तरफ जाता है तो वह पॉजिटिव होता है, नीचे जाता है तो निगेटिव होता है। यह ऊपर और नीचे जाने की जो प्रक्रिया है, एक सेकंड में 50 बार ऊपर जा सकता है, 50 बार नीचे जाता है। तो जब यह ऊपर जाता है तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ता है और नीचे जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र का मान घटता है। तो इसको हम जो है बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, और यह फ्रीक्वेंसी को नापा जाता है HZ में, यानी हर्टज में। और हमारे भारत देश का जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्टज होता है। किसी भी मशीन पर आप देख लीजिएगा जो स्टिकर लगा होता है, उस स्टिकर में वोल्टेज का मान, वाट का मान, एम्पियर का मान, साथ ही साथ फ्रीक्वेंसी का मान भी हर्टज में जरूर लिखा रहेगा, 50 के आसपास। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने इसमें से सिर्फ यही जाना कि इस तार में जो चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है वो अधिकतम और न्यूनतम हो रहा है। यदि हम इस तार के द्वारा एक क्वायल तैयार कर दें और उस क्वायल में एसी धारा को प्रवाहित कर दिया जाए तो उस क्वायल में भी चुंबकीय क्षेत्र तैयार होगा और वह चुंबकीय क्षेत्र एक बार अधिकतम एक बार न्यूनतम होता रहेगा। और उसी अधिकतम और न्यूनतम जो क्षेत्र है जो तैयार हो रहा है क्वायल के पास, उसी क्वायल के पास यदि हम दूसरा क्वायल रख देते हैं तो जो चुंबकीय क्षेत्र पहले वाले क्वायल से तैयार होता है वो दूसरे क्वायल में जब जाएगा, जो दूसरे क्वायल के अंदर जो टर्न लगे हुए हैं उसमें जाएगा तो उस क्वायल में EMF उत्पन्न कर देता है। EMF यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसे विद्युत वाहक बल कहते हैं हिंदी में, और उसी को नापा जाता है वोल्ट में, यानी कि एक क्वायल से दूसरे क्वायल में वोल्टेज ट्रांसफर हो जाता है। इस चीज को हम इसी चित्र के ऊपर देखने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक क्वायल जो हमने रेड तार से बना रखा है, ये प्राइमरी क्वायल है, और यहाँ पर आप इसके बगल में एक क्वायल देख सकते हैं, इसको हम सेकेंडरी क्वायल कहते हैं। प्राइमरी क्वायल क्या होता है? जिस पर हम इनपुट सप्लाई देते हैं वो प्राइमरी क्वायल, जिससे हम आउटपुट लेंगे वो सेकेंडरी क्वायल जो है कि होता है। अब जो है मान लेते हैं कि हमने एक प्राइमरी क्वायल तैयार कर दिया और उस प्राइमरी क्वायल में हमने इनपुट कर दिया, सप्लाई को इन कर दिया, और वो भी क्या? एसी सप्लाई। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक बात और क्लियर कर लीजिएगा कि जो भी ट्रांसफार्मर होते हैं
केवल और केवल एसी पर ही कार्य कर सकते हैं, डीसी पर नहीं कार्य करेंगे। डीसी पर कार्य क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि डीसी में ये जो फ्रीक्वेंसी है नहीं होता है, ये जो ऊपर नीचे जो चल रहा है एसी सप्लाई, डीसी क्या होता है, सीधा चलता है, सीधी लाइन में चलता है, इसके वजह से उसके अंदर फ्रीक्वेंसी नहीं है। और जब फ्रीक्वेंसी नहीं तो ये चुंबकीय क्षेत्र अधिकतम या न्यूनतम नहीं जाएगा, क्योंकि इसको अधिकतम और न्यूनतम में जाना जरूरी है। और जब यह अधिकतम या न्यूनतम में जाता है तभी जो है कि कुछ अगला प्रोसेस हो पाएगा, जो कि अभी हम इस चित्र से समझने वाले हैं। तो यहाँ से जो है कि हम एसी सप्लाई इसके अंदर इन करेंगे, और जैसे ही आप इसके अंदर इन कीजिएगा एसी सप्लाई, तो इसमें भी एक बार चुंबकीय क्षेत्र जो है अधिक बढ़ेगा, एक बार कम, एक बार अधिक, एक बार कम। इस परिवर्तित क्षेत्र के अंदर, यानी ये जो चुंबकीय क्षेत्र जो परिवर्तित हो रहा है, परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र के पास हम दूसरा क्वाइल रख देंगे, तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा जो रेखाएं तैयार हो रही हैं, यदि उस क्वाइल के अंदर से होकर के गुजरती हैं, तो दूसरे क्वाइल में वोल्टेज उत्पन्न हो जाता है। और यह जो प्रक्रिया होती है, यानी कि एक क्वाइल से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होना और उस चुंबकीय क्षेत्र का दूसरे क्वाइल के अंदर प्रवेश करना और दूसरे क्वाइल के अंदर से वोल्टेज निकल जाना, यह जो क्रिया है इसको हम कहते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस। फ्रेंड्स ये याद रखिएगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस के सिद्धांत पर ही हमारा ट्रांसफार्मर कार्य करता है, जिसे हम लोग हिंदी में अन्योन प्रेरण कहते हैं, अन्योन प्रेरण। यानी कि हमारा जो ट्रांसफार्मर है किस सिद्धांत पर काम करता है, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस पर काम करता है, या उसी को हम अन्योन प्रेरण भी कहेंगे। फ्रेंड्स यह म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या है, तो वही चीज़ हम पहले बताए हैं कि एक क्वाइल से जो तरंगे निकल रहे हैं, यानी चुंबकीय जो क्षेत्र बन रहा है, और उस चुंबकीय क्षेत्र के पास जो दूसरा क्वाइल रखा जा रहा है, तो जब दूसरा क्वाइल रखा जाता है तो वो चुंबकीय बल रेखाएं दूसरे क्वाइल से होकर के गुजरती हैं, तो इस वजह से जो है दूसरे क्वाइल में क्या होता है, वोल्टेज उत्पन्न होता है, यानी EMF उत्पन्न होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल उसी को हिंदी में कहेंगे, और वही जो है कि बल को हम नापते हैं किसमें, वोल्टेज में। यानी सीधा सीधा कहा जाए कि इधर वोल्टेज उत्पन्न हो जाता है, इधर हम वोल्टेज इन करते हैं, दूसरे कॉइल से हम वोल्टेज आराम से ले सकते हैं। तो यह जो प्रक्रिया होती है उसी को हम क्या कहते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस कहते हैं, या फिर उसी को अन्योन प्रेरण भी कहा जाता है। फ्रेंड्स ये बात आप लोगों को क्लियर हो पाया होगा। अब हम यहाँ पर यह सीखेंगे कि इधर जो है कि कितना दिया जाएगा, इधर कितना आ सकता है, तो इस चीज़ का तो गणना करने का एक सूत्र होता है जो कि हम आगे कोर्स में बताएंगे, लेकिन यहाँ पर हम यह सीधा सीधा जान लेते हैं कि ये जो चुंबकीय क्षेत्र इस क्वाइल के अंदर दूसरे वाले क्वाइल के अंदर से गुजर रही हैं, यदि इसमें अधिक टर्न रहता है तो इधर से अधिक वोल्टेज निकलेगा, और यदि इस सेकेंडरी क्वाइल में टर्नों की संख्या कम होती है तो इधर कम वोल्टेज निकलेगा। यानी जितना अधिक मात्रा में ये टर्नों को यह जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं काटती हैं, उतना ही इधर की तरफ वोल्टेज निकलता है। यानी कि प्राइमरी मान लेते हैं कि 100 है, 100 टर्न यानी 100 चक्कर मारा गया है, और इधर 500 चक्कर लपेट दिया गया है, यानी कि किधर का जो टर्न है अधिक है, सेकेंडरी वाले का टर्न अधिक है, यानी कि इधर की तरफ वोल्टेज का मान अधिक होगा। यानी इधर हम इधर कुछ भी वोल्टेज दे दें, 200 दे देंगे, तो इधर कभी भी आएगा तो 200 से अधिक ही आएगा। वह अधिक कितना आएगा वो हम गणना करके बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन यहाँ पर हम वीडियो में वो चीज़ें बताएं तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो बस आप इतना समझिएगा, इस वीडियो से हमें इतना ही शिक्षा लेना है, क्योंकि हमारा कोर्स जो है कि ट्रांसफार्मर को बहुत डीप में ले जाना नहीं है, हम ट्रांसफार्मर के गढ़ने के बारे में सीखेंगे, यानी उसको डाटा निकालने के बारे में सीखेंगे। तो यहाँ पर सिर्फ हमको यही जानना है कि ट्रांसफार्मर का जो सेकेंडरी टर्न है ज़्यादा रहेगा तो इधर वोल्टेज ज़्यादा निकलेगा, कम रहेगा वोल्टेज कम निकलेगा। बस यही दो शब्द आपको याद रखना है इस
पूरे जो है कि ट्रांसफार्मर के इस वीडियो से। और आपको यदि और इसको एडवांस लेवल से समझना है तो समझ जाइए म्यूचुअल इंडक्टेंस के सिद्धांत पर हमारा ये ट्रांसफार्मर कार्य करता है। यह अक्सर ही प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो आपको या तो म्यूचुअल इंडक्टेंस उसमें दिखेगा या अन्योन प्रेरण दिखेगा, तो दोनों में से किसी एक कोई एक ही लिखा रहेगा, किसी एक पर आपको टिक मार देना है यदि आपको तैयारी वगैरह करना है तो। लेकिन हमारा उद्देश्य जो है कि उस लेवल तक हमको इस ट्रांसफार्मर को ले जाना नहीं है, हमारा उद्देश्य सिर्फ ये है कि ट्रांसफार्मर के अंदर डाटा निकालना आप लोगों को बता दें। तो फ्रेंड्स, हमें उम्मीद है कि आप लोग ये वीडियो देख लिए हैं, पूरा देखे होंगे, तो वीडियो के अंदर जो भी बातें हमने बताया है ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको नहीं समझ में आया होगा, तो ऐसे लोग जो है कि हमारे इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं और अपना सवाल पूछ सकते हैं कि सर आपने जो इस समय पर, मतलब आप वीडियो ध्यान से देखेंगे तब आपको समझ में आएगा, तो आप हमको लिख करके बताइए कि सर आपने इस वीडियो में इस समय पर जो शब्द बोला है वो चीज़ हमको नहीं समझ में आया है, उसके बारे में हम बता पाएंगे बेहतर तरीके से, आप लोगों को वहाँ पर एक्सप्लेन कर देंगे। यदि आपका ऐसा सवाल होगा तब जा करके हम आपका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।